पेशेंट चाहिए होता है, क्योंकि एक बार आप बीच में अगर छोड़ दो तो नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर पहली बार दूसरी बार में नहीं सफलता मिल रही है तो उसके लिए मतलब हार नहीं मानना। लाइक मैं जब पहले छोटी थी तो मैं गांव में रहती थी, तो उधर उतनी फैसिलिटी नहीं है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह गांव में तो नहीं है उधर साइड। अगर किसी को कुछ दिखाना हो तो हमेशा मतलब जाना पड़ता है। दूसरा, डॉक्टर एक इतना मतलब नोबल प्रोफेशन है कि वो मतलब खुद ही अट्रैक्ट करता है। अगर इस प्रोफेशन में जाएंगे तो हम लोगों की, जरूरतमंदों की हेल्प कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश, मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम आपको नीट परीक्षा में जो प्रतिभागी हुई है सफल, उनके बीच में है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि एक बेटी है जिन्होंने बस्ती और अम्बेडकर नगर दो जिलों का नाम रोशन किया है। रोशन इसलिए किया कि बस्ती जनपद की मूल निवासी है हरैया के पास की, और अम्बेडकर नगर में निवास करते हैं। इनके पिताजी जो है एक पेशे से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है, और बेटी ने नीट परीक्षा पास करके अपना नाम, अपने गांव का नाम और एक साथ दो जनपदों का नाम रोशन किए हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। बेटी जी, क्या नाम आपका? कोमल वर्मा। कोमल वर्मा जी, पहला सवाल है कि नीट परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है और इसमें पूरे देश के, पूरे प्रदेश के बच्चे हिस्सा लेते हैं, ऐसे में आपने कैसे परीक्षा दिया और कितनी बार आपने मेहनत किया? बहुत तो मतलब लगन, वो डेडिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि एक बार आप बीच में अगर छोड़ दो तो नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर पहली बार दूसरी बार में नहीं सफलता मिल रही है तो उसके लिए मतलब हार नहीं मानना, लगे रहना है। आपको अपने सपने के लिए कुछ करना है तो आपको पूरा मतलब अपनी पूरी जान लगाना है। हर मतलब कोई भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लास्ट में कि हम अगर थोड़ा और कर लेते तो इससे बेटर पोजीशन पे होते। तो अपना पूरा दे। तो आपने हाई स्कूल की परीक्षा और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से की? यही अम्बेडकर नगर से की है, तक्षशिला अकेडमी से। जी, कितना परसेंट हाई स्कूल में आया था? 95% और इंटरमीडिएट में 90.4। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हमको एमबीबीएस बनना है? आपने आईएएस का सपना नहीं देखा, आपने आईपीएस का सपना नहीं देखा, आप जो है ऐसे फील्ड को चुना कि जहाँ पर लोगों, जो गरीब से गरीब लोग जाते हैं दवा कराने के लिए, इस फील्ड को आपने क्यों चुना? पहले तो मैं जब पहले छोटी थी तो मैं गांव में रहती थी, तो उधर उतनी फैसिलिटी नहीं है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह गांव में तो नहीं है उधर साइड। अगर किसी को कुछ दिखाना हो तो हमेशा मतलब जाना पड़ता है, दूर पड़ता है। वो एक तो वो भी था, और दूसरा, डॉक्टर एक इतना मतलब नोबल प्रोफेशन है कि वो मतलब खुद ही अट्रैक्ट करता है कि उस मतलब उधर उस, अगर इस प्रोफेशन में जाएंगे तो हम लोगों की, जरूरतमंदों की हेल्प कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसलिए ये मतलब मुझे ये प्रोफेशन अच्छा लगा। तो आपने कोचिंग कहाँ से की? मैंने कोचिंग कानपुर से की, न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट नाम है कोचिंग का, वहां से मैंने कोचिंग की और टेस्ट सीरीज वहाँ की ज्वाइन की। गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि बेटियां हैं वो भी डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो कानपुर या बड़े महानगरों में जाके कोचिंग ज्वाइन करें। उनके लिए क्या संदेश देंगी आप? मैं यही कहूंगी कि वो स्ट्रिक्टली बस केवल एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि जितने क्वेश्चन बन रहे हैं और अब जैसा पेपर बन रहा है सीधे एनसीईआरटी की लाइन से पूछा जाता है, सीधे एनसीईआरटी से आता है। हम लोग भी पहले मतलब मैं पहले मुझे नहीं पता था इतना, तो मैं इधर उधर के गाइड वगैरह भी पढ़ रही थी, पर मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि वो सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो तो आप उससे ज्यादा ही नंबर लाओगे जो गाइड वाइड पढ़ रहे हैं। तो केवल एनसीईआरटी अच्छे से घर पे रह के, अगर आपको नहीं सुविधा है बाहर जाने की तो आप घर पे अच्छे से एनसीईआरटी, तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बस अच्छे से पढ़ लें, और प्रैक्टिस थोड़ा फिजिक्स के लिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक सवाल है कि जो कोचिंग चल रही है इनका जो है यूट्यूब पे एक मतलब वीडियो मिलते हैं पैसे दे करके, क्या उससे भी मदद मिलती है बच्चों को, मिलेगी? कुछ बच्चों जैसे कभी कभी हेल्प भी करते हैं, क्योंकि तब ये जानकारी बहुत दूर तक फैलती है, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल हर कोई यूट्यूब देख रहा है, तो इससे जानकारी तो दूर तक फैलती है। पर वो थोड़ा सा उन लोग का बिजनेस भी अब बढ़ रहा है उस हिसाब से कि पैसे लेकर कर रहे हैं, तो पर थोड़ा जानकारी भी फैलती है तो थोड़ा बाकी लोग भी जागरूक होते हैं कि कैसे करना है, तैयारी क्या पढ़ना है। जब आपको दिन में कुछ दिनों के बाद एक एमबीबीएस डॉक्टर बन के कहीं पोस्ट होगी तो समाज के लिए क्या करेगी? मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मतलब पिछड़े वर्ग या फिर जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है चिकित्सा की आसानी से, उन तक वो सुविधा पहुंचा सकूं, उनकी मदद कर सकूं। और मैं अपनी तरफ से वही पूरी कोशिश करूंगी कि जिधर जिन लोगों को दिक्कत होती है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते या उनको दिक्कत होती है दूर जाना पड़ता है, उन तक वो सुविधा आराम से पहुंच सके। पढ़ाई के दौरान आपने कितना मेहनत किया? बहुत मेहनत की हुई है, मतलब
काफी टफ टाइम रहा वो। कितने घंटे पढ़ती थी? जिसे भोजन बनाना होता था या फिर सारे विषयों को तैयार करना होता था? खुद से सेल्फ स्टडी मैंने लगभग 5-6 घंटे की हुई है, बाकी कोचिंग का भी जाता था 6 घंटे लगभग, तो वो सब मिला के पूरा 10-11 घंटे तो जोर हो ही जाते थे। तो ऐसे पढ़ती थी कि उसमें अध्ययन भी करती थी कि मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब? मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी और ज्यादातर मैंने इस साल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ज्यादातर टेस्ट ही देने रहते थे, तो जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए तो वो आके देखना कि क्यों गलत हुए, फिर वो उस टॉपिक को रिफर करना, दोबारा उसको पढ़ना, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो फिर उसको फिर से पढ़ के कंफर्म करना कि जो क्वेश्चन मैं कर मतलब जो मैं डाउट, ताकि मैं दोबारा डाउट वो ना रह जाए, तो उसको वो सब मतलब पूरे पेपर को दोबारा एकदम एनालाइज करना है। पेपर देने के बाद ये नहीं कि घर पे पेपर ले जाके फेंक दिया, अब नेक्स्ट पेपर देंगे, अब कुछ और पढ़ना है, पहले घर पे जाके पेपर एनालाइज, थोड़ा रेस्ट करके 5-10 मिनट जो भी, उसके बाद फिर पेपर एनालाइज करना कि पेपर में क्या गलत हो रहा है, क्या मुझे नहीं आ रहा है या क्या करने में मुझे दिक्कत आ रही है, ताकि उस हिसाब से फिर आगे आप। अक्सर बच्चे हार मान जाते हैं, एक बार परीक्षा दिए और सफलता हाथ नहीं लगी तो हार मान जाते हैं, तो उनके मोटिवेशन के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं ये कहूंगी कि डॉक्टर बहुत बड़ा नाम है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर से थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। बाकी मैं लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, मैं कहूंगी कि बाकी सबके पेरेंट्स भी इसी तरह सपोर्ट करें। इतना आसान नहीं है क्योंकि लगभग इस बार 21-22 लाख लोगों ने दिया था, उसमें कुछ बच्चों का चयन होता है, तो इतना आसान नहीं है, कुछ लोगों का हो जाता है, पर आपको उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, मतलब थोड़ा अगर बच्चा करना चाहता है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को भी। तो आपके जो ये सफलता मिली है इसमें किसका किसका सहयोग रहा? मेरे पेरेंट्स का सहयोग रहा मेनली, और टीचर्स हमारे जो थे, और भी जो लोग मतलब रिलेटिव्स वगैरह जो भी जिन्होंने भी मतलब उस वक्त अच्छे मतलब बात। ये बताओ, जब आपको ये जानकारी हुई कि आज आएगा रिजल्ट आएगा, ये रात में रिजल्ट आया, हाँ। तो आपको नींद उड़ाई थी कि नहीं? नहीं, उसके पहले तक तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वो पता था कि इतना नंबर तो आना है, पर फिर भी वो एक डर रहता है कि कहीं कम हो जाए या ज्यादा रैंक क्या आएगी, क्या होगा, तो वो थोड़ा सा डर तो पूरा टाइम लगा था, और एक्साइटमेंट भी थोड़ी हो रही थी कि रिजल्ट आ जाए, एक ऑफिशियल आ जाए कि हाँ हो गया। हाँ, तो पहली बार आपने किसको बताया है, कौन देखा रिजल्ट को? साथ में मम्मी पापा साथ में ही बैठे थे जब मैं रिजल्ट हो रही थी, तो मम्मी पापा को बताया, फिर घर पे बड़े पापा बड़ी मम्मी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब एक सुकून, एक सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ अब हो गया, अब MBBS करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। MBBS में जब आपका अभी होगा, विद्यालय मिलेगा, तो किस किस जनपद में आप लेना चाहेंगे कॉलेज? कॉलेज तो अभी प्रेफरेंस मेरा लखनऊ और कानपुर। चलिए, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने दो जनपदों का नाम रोशन किया है, साथ में उन अभिभावकों का आपने हौसला बढ़ाया है जिनके पास बेटियां हैं और चाह रहे हैं कि मेडिकल की पढ़ाई हम भी करावें, तो उसके लिए आपने हौसला बढ़ाया है। इनके पिताजी मौजूद हैं जो डुबुलिया विकासखंड में एक अध्यापक के रूप में कार्यरत है। गुरु जी, आपकी बेटी ने नाम किया है, दो दो जनपदों का नाम किया है, जो कि आपका मूल जो जनपद है बस्ती है, वर्तमान में आप अम्बेडकर नगर में रह रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? काफी खुशी हुई, और बिटिया जो है वो काफी से पहले से काफी मेहनत करती थी जी, और बल्कि हम लोगों को रोज कहना पड़ता था कि अब सो जाओ जी, ये रात के 2-2 बजे तक, 1-3 बजे तक जाकर पढ़ाई करती थी जी, और हम लोगों को खुद कहना पड़ता था कि बेटा अब सो जाओ जी, तो उसकी मेहनत को सफलता मिली तो इससे बहुत खुशी है जी, और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बेटी बेटा बराबर हैं और सबको समान अवसर दिया जाए जी, और जो जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं जी, उनकी मदद की जाए। उनकी माताजी भी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि जब बेटी एक कोई परीक्षा पास करती है, अच्छी परीक्षा पास करती है, जहाँ पर माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा होता है, ऐसा ही कुछ हुआ, नीट परीक्षा का परिणाम आया तो आपको ऐसा ही लगा, तो उन्हें जो अभिभावक गांव में बैठे हैं जिनकी बेटियां हैं या जिनके बेटे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं उनके लिए संदेश दूंगी कि वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो चलिए, ये इनके परिवार से निश्चित तौर पे इन्होंने, इनकी बेटी ने अपने नाम को रोशन किया है, और अच्छी बात है। इस वीडियो को जो भी लोग देखेंगे, अभिभावक जो भी देखेंगे, उनको एक राहत मिल सकेगी, एक प्रोत्साहन मिल सकेगी, ऐसे ऐसे प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र में हैं और गांव की प्रतिभाएं लगातार अब निकलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसी खबरों को पाने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।